तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये जो है ये क्यूज़ है RPUT एग्ज़ाम 2020 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है जियोलॉजी एंड बॉटनी के जो है मिस में यानी मिक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्यूज़ को। आप जो है एक कोशिश करना, आप जो है पहले स्वयं आंसर देना, उसके बाद में मैं आंसर दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई वह है, यानी कौन सा पादप हार्मोन है जिसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी सबसे पहले जो पादप हार्मोन है उसकी खोज हुई थी ऑक्सिन की, याद रख लेना। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी के रोजेट पादप को लंबे प्रहो में परिवर्तित करने के लिए छिड़कना होगा कि अगर जो पत्ता गोभी है उसके रोजेट पादप को लंबे प्रहो यानी उसके प्रहो में परिवर्तित करने के लिए जो है IAA का, ABA का या फिर GA का या फिर इथाइलिन का जो है छिड़काव करना होगा। तो देखिए GA का जो हम जो है छिड़काव करते हैं पत्ता गोभी के पादप पर, तो उसमें जो है लंबे प्रहो में परिवर्तित जो है वो पादप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन या फिर इथाइलिन हार्मोन। तो देखिए वह हार्मोन जो गैसीय अवस्था में मिल जाता है वह हार्मोन है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इथाइलिन हार्मोन होता है। वो गैसीय अवस्था में भी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, या मिलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है। ये क्वेश्चन है, आप मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पतझड़ के समय जो पौधों में है कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन ए IAA हार्मोन, ABA हार्मोन, GA हार्मोन या फिर उपयुक्त सभी हार्मोन। तो देखिए जो ABA हार्मोन होता है वो पतझड़ के समय सबसे सक्रिय रहता है, पतझड़ के समय, याद रख लेना। ABA ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षद प्रभाविता पाई जाती है, जो शीर्षद प्रभाविता है वह किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण। जो शीर्षद प्रभाविता होती है ना वो ऑक्सिन के कारण होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दुग्ध से दही व पनीर का निर्माण, ऑप्शन बी गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा पुनर्योजन DNA तकनीक द्वारा औषधि का निर्माण, और ऑप्शन डी है शर्करा द्वारा बियर का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर पूछा है परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जो पुनर्योजन DNA तकनीक द्वारा जो औषधि का निर्माण हम करते हैं ये एक परंपरागत जो है प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप और भी क्यूज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पर से आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो है देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, कोल एरिकी के द्वारा, हेबरलैंड के द्वारा या फिर शिप्रा गुहा मुखर्जी के द्वारा। तो जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इस क्वेश्चन को जो आप मोस्ट जरूर लगा ले, ये क्वेश्चन आप जो है नोट जरूर किया करो। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ आपको, केवल जो है वॉइस सुनने से काफ़ी, देखने से काफ़ी नहीं होता है, एक बार जो अगर हम जो चीज़ अपने हाथों से लिख लेते हैं वो भी चीज़ जो हमारे माइंड में काफ़ी अच्छी तरीके से हमें याद हो जाती है। तो देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था कोल एरिकी के द्वारा, जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी जो है RPUT में पूछे जाते हैं, याद रख लेना। ऑप्शन 1982 में, 1978 में, 1986 में या फिर 1990 में। तो जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव
प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना है वो 1982 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? जो आणविक जीव विज्ञान है उसका जो केंद्र है वह कहाँ है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर चंडीगढ़ में। तो देखिए जो आणविक जीव विज्ञान है वो भारत में जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है आप मोस्ट लगा ले, याद तो सभी करने हैं, लेकिन ये जो मैं आपको मोस्ट लगवाता हूँ उनको जो है जरा गौर से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक है जो नहीं किया गया है? ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन या फिर जिब्रेलिन हार्मोन। तो देखिए जो पादप हार्मोन है उसको अभी तक जो है पृथक नहीं किया गया हुआ है, यहाँ पर हमारा फ्लोरिजन हार्मोन, उसको जो है अभी भी मिश्र अवस्था में रखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल सीड्स की वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन कौन सा है जो उसके मूल सीड्स की वृद्धि को संदमित यानी कम कर देता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो मूल सीड्स की वृद्धि को क्या कर देता है? संदमित कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए द्विबीजपत्री पूछा गया है और नियंत्रित करने के प्रयोग में ऑप्शन ए 1AA, GA, 1BA या फिर 2,4-D। तो देखिए जो 2,4-D का जो है वो प्रयोग किया जाता है खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने में। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? वृद्धि नियंत्रण को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन है 1AA, ABA, 1BA या फिर NAA। तो देखिए जो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए वो कहते हैं ABA को जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोकॉम की खोज की थी किसके द्वारा की गई थी? जो फाइटोकॉम की खोज है ऑप्शन ए बोर्थविक व हेंड्रिक्स द्वारा, ऑप्शन बी बोशन व जेंसन द्वारा, ऑप्शन सी है गॉर्नर व एलार्ड द्वारा और ऑप्शन डी है डार्विन व वेंट द्वारा। तो देखिए जो फाइटोकॉम की खोज है वो बोर्थविक व हेंड्रिक्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGEB किस संगठन से संबंधित है या किस संगठन से संबंध रखता है? ऑप्शन ए NBTB, यूनिडो, IARI या फिर ICFRE। तो देखिए जो यूनिडो है UNIDO से संबंध कौन रखता है? ICGEB संगठन। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयान विलपुट द्वारा प्रथम भेड़ के क्लोन का क्या नाम रखा गया था? ये क्वेश्चन RPVT में कई बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर ध्यान में रख लेना कि जो इयान विलमुट है जो प्रथम भेड़ क्लोन का जो नाम रखा गया था वो क्या था? ऑप्शन ए जोली जी नहीं, तो उसका नाम रखा गया था डोली। याद रख लेना डोली जो है इयान विलमुट द्वारा प्रथम भेड़ के क्लोन का नाम है, ठीक है, क्या है? डोली, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए थियोडोर स्ट्रिस ने, ऑप्शन बी है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, ऑप्शन सी है KF बुर्डक ने और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक W पोर्ट ने। तो देखिए जो जीवाणु भोज की खोज की थी ना उनका नाम है फ्रेडरिक W वोट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वप्रथम परागकोष संवर्धन द्वारा अगुणित पादप विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? अगुणित पादप, याद रख लेना, अगुणित पादप जो विकसित करने का जो श्रेय वह किसे होता है? ऑप्शन ए जौहरी एवं महेश्वरी ने, हेबरलैंड को, पी आर वाइट को, या फिर गुहा एवं महेश्वरी को। तो देखिए, जो सर्वप्रथम परागकोष संवर्धन द्वारा अगुणित पादप जो विकसित करने का श्रेय है वो गुहा एवं महेश्वरी को प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित पादप से रोग रहित पादप विकसित किए जाते हैं किसके द्वारा? जैसे कि कोई संक्रमित पादप है उससे जो है बिना कोई संक्रमित जो है वापस प्लांट विकसित किया जाता है। ऑप्शन ए किसके द्वारा, किस विधि द्वारा? ऑप्शन ए भ्रूण संवर्धन द्वारा, जड़ संवर्धन द्वारा, परागकण संवर्धन द्वारा, या फिर प्रवाह शीर्ष संवर्धन द्वारा। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है आप जो है मोस्ट लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई संक्रमित पादप जो है उससे जो है रोग रहित पादप जो है प्रवाह शीर्ष द्वारा या प्रवाह शीर्ष संवर्धन द्वारा जो है विकसित किया जाता है एक नया पादप जो है बिल्कुल भी संक्रमित रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहलाते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक, हेबरलैंड, स्टीवर्ड, या फिर कोकिंग। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पोल में भी रखा था जिसने काफ़ी विद्यार्थियों ने अच्छा आंसर दिया है, उन सभी को जो है धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को इसी तरह बनाए रखिए। तो देखिए, जो पादप उत्तक संवर्धन का जो जनक है वो कहलाता है ऑप्शन बी हेबरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी आई प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है किसमें? ए ट्यूमिशियंस में, ए ट्यूमेफेसियंस में, ए राइजोजियंस में, ई कोली में, या फिर बेसिलस थ्यूरिजियंस में। तो देखिए, जो टी आई प्लाज्मिड है वो पाया जाता है ए ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति के एंजाइमी अपघटन से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए टी मुरासिंगे को, ऑप्शन बी ईबोल को, ऑप्शन सी एफ डब्ल्यू बेंट को, या फिर ई सी कोकिंग को। तो देखिए, जो पादप कोशिका भित्ति के एंजाइमी अपघटन से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है वैज्ञानिक ई सी कोकिंग को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगुणित पादप संवर्धन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कर्तोत्तक प्रयुक्त होता है? त्रिगुणित पूछा गया यहाँ पर हमें कि त्रिगुणित पादप संवर्धन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कर्तोत्तक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा परोह शीर्ष, भ्रूण, भ्रूणपोष, या फिर परागकोष। तो देखिए, जो भ्रूणपोष है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतर किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष जीन है वह किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए जीन गन द्वारा, विद्युत छिद्रण द्वारा, ऑप्शन सी सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा, या फिर एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। तो देखिए, जो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है वह एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट प्रतिरोधी यानी जो बीटी जीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए बेसिलस सब्टिलिस, ऑप्शन बी बेसिलस थ्यूरिजियंस में, ऑप्शन सी बेसिलस एंथ्रेसिस में, या फिर ऑप्शन डी स्यूडोमोनास सिट्राई में। तो देखिए, जो कीट प्रतिरोधी बीटी जीन है वो पाया जाता है ऑप्शन बी बेसिलस थ्यूरिजियंसिस में। ऑप्शन बी यहाँ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति हेतु जीन स्थानांतरित किया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट है कि जो गोल्डन राइस है वह निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति हेतु जीन स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन बी। तो देखिए, विटामिन ए की जीन की पूर्ति हेतु वो स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेवर शावर टमाटर की विशेषता है, जो फ्लेवर शावर टमाटर होता है उसकी विशेषता क्या है? सूखा रोधी,
ऑप्शन बी उच्च लवण साधनता प्रतिरोधी, ऑप्शन सी कठोर फल बीती, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो फ्लेवर शावर टमाटर की जो विशेषता है मेन, वह है कि उसकी जो कठोर फल बीती होती है, जो उसका जो बाहर का आवरण होता है वह क्या होता है, कठोर होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी जीन युक्त कपास कहलाती है। इस क्वेश्चन को भी जो है आप मोस्ट लगा लेना। ऑप्शन ए एशेप्टिक कॉटन, रोमिल कॉटन, गोल्डन कॉटन, ऑप्शन डी है किलर कॉटन। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में देना कि जो बीटी जीन युक्त कपास है वो क्या कहलाती है। कमेंट में आप ऑप्शन मत देना, ऐसे नाम लिखना कि किलर कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जैसे कि किलर कॉटन हो, एसेप्टिक कॉटन हो, रोमिल कॉटन हो, या फिर गोल्डन कॉटन हो, ये आपको जो है कमेंट में नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,